हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब स्टडी पॉइंट। आज वीडियो रे हमें खास करी दशम श्रेणी जोटा कि विज्ञान बहर तुम दुईटा पार्ट अच्छे, गोटे हूँ भौतिक विज्ञान, गोटे हूँ जीव विज्ञान। तेल ये भौतिक विज्ञान रो आम कम्प्लीट सिलेबस डिस्कसन करवा, ठीक अच्छे। तेल या पूर्व वीडियो रे आम जीव विज्ञान कम्प्लीट सिलेबस डिस्कसन कर सारी, ये आम खाली भौतिक विज्ञान डिस्कसन करवा, ठीक अच्छे। जोटा कि तुम एग्जाम किए कंडक्ट कै, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिशा, सब तुम एग्जाम कंडक्ट कै, ठीक अच्छे। तो यहाँ कम्प्लीट सेसन क्या हम 2022 आउ 2023 पिला मानक, ठीक अच्छे। ताले डिटेल सिलेबस एफए वन आम कवर करवा, एफए टू कवर करवा, एफए थ्री कवर करवा, एफए फोर कवर करवा, आउ सुमेटिव असेसमेंट वन, सुमेटिव असेसमेंट टू रही केमती कौन एग्जाम प्रिपेरेशन करिवो ता नेकि मु मध्य ट्रिक्स भी कहिदेबि, केमती केमती पढ़िले तुम्हें आराम से भल स्कोर करिपारिबो, ठीक अच्छे। जेंदि मु पूर्वर भी कहिथिलि भल स्कोर करिया पई हला, भल मार रखिया पई आगे सिलेबस पूरा डिटेल रे बुझिबा दरकार। ताले चलो ए वीडियो रे हमें पूरा कंप्लीट भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस रो सिलेबस डिस्कशन करिवा, ठीक अच्छे। ताले फर्स्ट एफए 1 एग्जाम पई जमती कि तुम जान एफ वन किसी पर्टिकुलर टॉपिक थाए, तो कौन कौन टॉपिक अच्छे देख, तो गोटे प्रथम अध्याय है, तार ना हूँ कौन रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण, सेटा गोटे अच्छे। आ गोटे अच्छे द्वितीय अध्याय अम्ल क्षारक और लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट अच्छी। तृतीय अध्याय अच्छी धातु और अधातु अच्छी, यही तीन टा मिसिक तुम एफ ए वन एग्जाम आसो कम्प्लीट के मार्क आसो 20 मार्क रे, लाइफ साइंस रु 10 मार्क, फिजिकल साइंस रु 10 मार्क मिसिक तुम एठी एग्जाम दे पारिबो एफ ए वन 20 मार्क, बुझेला। सिलेबस बाहर किसी क्वेश्चन आसो ना, एफ ए वन तुम कम्प्लीट प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय जहाँ भी पढ़व एफ ए वन एग्जाम आराम से, बुझेला। एवं देखा एफ ए टू, एफ ए टू रे से भाया चतुर्थ अध्याय अच्छी कार्बन और एहार जौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सेटा गोटे अच्छी। पंचम अध्याय अच्छी मौलिक गुड़िकर पर्यायी श्रेणीकरण, एटा गोटे अच्छी। ए दीटा मिसिकी ताले तुम एफ ए टू रे दीटा हला, दीटा अध्याय पढ़ से दीटा मिसिकी तुम एफ ए टू एग्जाम हम केते मार्क एग्जाम हम ना 20 मार्क एग्जाम हम। तो लाइफ साइंस रु तीन टा आसो फिजिकल साइंस रु, यही जो दीटा मुझे कहली कार्बन और यार जौगिक आ मौलिक गुड़िकर पर्यायी श्रेणीकरण, यही नहीं कि तुम एफ ए टू रे तुम क्वेश्चन पाइपार, बुझेगा। जोटा कि 10 मार्क है लाइफ साइंस आ 10 मार्क हूँ फिजिकल साइंस रु आसो। नेक्स्ट देखा एफ ए थ्री एग्जाम जोटा कि तुम रिसेंट हबार अच्छी, तो ये षष्ठ अध्याय पढ़व आलोक तार प्रतिफलन तार प्रतिसरण, आ गोटे अध्याय पढ़व सप्तम अध्याय जोटा कि मानव चक्षु और वर्ण जगत द ह्यूमन आई एंड दि कलरफुल वर्ल्ड, ए दुईटा टॉपिक तुम एफ ए थ्री एग्जाम बहुत बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि तुम सिलेबस कवर करने चाहिए आम चैनल रे तुम ये षष्ठ अध्याय सप्तम अध्याय एफ ए थ्री एग्जाम प्रिपेरेशन कर, ठीक अच्छे। केते मार्क हम से फुल 20 मार्क ही आसो, लाइफ साइंस रु 10 मार्क, फिजिकल साइंस रु 10 मार्क, कम्प्लीट तुम ये 20 मार्क एफ ए थ्री एग्जाम हम, बुझेगा। तो तुम वीडियो को लास्ट पर्यंत देख, मुझे एसए वन भी कहीदेवि एसए टू रि कहीदेवि, तो आगे एफ ए वन एफ ए टू एफ ए थ्री एफ ए फोर को मुझे कवर करुच्ची, बुझेगा। तो ये चलो एफ ए फोर देखा, एफ ए फोर अष्टम अध्याय पड़ विद्युत, आ गोटे अध्याय पड़ नवम अध्याय जोटा कि विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव, ये दुईटा नहीं कि तुम एफ ए फोर क्वेश्चन पाइव केते मार्क एग्जाम हम से 20 मार्क तुम एग्जाम हम, लाइफ साइंस रु 10 मार्क, फिजिकल साइंस रु 10 मार्क तुम पाइपर, बुझेगा। तले चलो ना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट को अगर कवर करिबा, अरे तुम एसए 1 एग्जाम एसए 2 एग्जाम पे, बुझेला। तले देखो एफए 1 रे तुम 3टा अध्याय पढ़िलो, एफए 2 रे 2टा अध्याय क्वेश्चन पाइलो, ए दुईटा मिसी के जो 5टा अध्याय तुम एसए 1 पे पढ़िबो, जदि भलसे पढ़ी देलो ए 5टा टॉपिक को तुम आराम से एसए 1 रे पूरा भल स्कोर कर पारिबो। एसए 1 केते मार्क रो हबो ना 80 मार्क रो हबो, तो जेटा कि लाइफ साइंस रु 40 मार्क, फिजिकल साइंस रु 40 मार्क, दीटा मिसी की दीटा टॉपिक रु माने लाइफ साइंस रु भी आसीबो क्वेश्चन, फिजिकल साइंस रु भी आसीबो, कंप्लीट तुम्हें 80 मार्क रो एग्जाम दबो, बुझेला। तुम्हें आराम से 70 उपरे स्कोर करि पारिबो। एबे देखिबा एसए 2 एग्जाम आ केबे कोन एग्जाम होबो मु सेरा कहि देबि, बुझेला। तले एफए 3 आ एफए 4 एग्जाम दबो, एफए 3 रो 2टा टॉपिक, एफए 4 रो 2टा टॉपिक, से दीटा मिसी के टोटल तुम्हें केटा टॉपिक दबो, त एसए 2 रे 4टा टॉपिक पढ़ो, जब 4
ଯାହା ଟପିକ ପୁରା ଭଲସେ ପଢ଼ିଥିଲ ଏସ୍ଏ ଟୁରେ ଆରାମସେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବ। କେତେ ମାର୍କର ଏସ୍ଏ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହବ? ସେଇ 80 ମାର୍କ। ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଲା 40 ମାର୍କ, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି 40 ମାର୍କ। ଦୁଇଟା ମିଶିକି ତୁମର 80 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହବ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏସ୍ଏ ୱାନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମେ ରିସେଣ୍ଟ ଦେଇଛ ନଭେମ୍ବରରେ, ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ନଭେମ୍ବର, ଯୋଉଟାକି ତୁମର ଥିଲା କେବେ ହବାର ଥିଲା ସେଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ବା ଥାର୍ଡ ୱିକ୍ ଅଫ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅକ୍ଟୋବର ହବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଟା ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇକି ନଭେମ୍ବରକୁ ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଏସ୍ଏ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହବ? ଆଗେ ମୁଁ ଏଫ୍ଏ ଥ୍ରୀ କହିଦେଉଛି, ଏଫ୍ଏ ଥ୍ରୀ ର ହବ ତାହେଲେ ଥାର୍ଡ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଡିସେମ୍ବର। ତାହେଲେ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ କି ଥାର୍ଡ ୱିକ୍ରେ ତୁମେ ଏଫ୍ଏ ଥ୍ରୀ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହବ। ସେଇଭଳିଆ ଏଫ୍ଏ ଫୋର୍ କେବେ ହବ? ଏଫ୍ଏ ଫୋର୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଫେବୃଆରୀ, ଏଇଟା ମେ ବି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇକି ଥାର୍ଡ ୱିକ୍ ହେଇପାରେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁମର ଏସ୍ଏ ୱାନ୍ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଏଫ୍ଏ ଥ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହବ ଆଉ ଏଫ୍ଏ ଫୋର୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହବ। ତାହେଲେ ଏସ୍ଏ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଫେବୃଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ ବେଳକୁ ଏସ୍ଏ ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇପାରେ ବା ଏଇଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇକି ତୁମ ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅର୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ। ତାହେଲେ ଆରାମସେ ତୁମର ଏସ୍ଏ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବ, କ'ଣ ସବୁ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିବ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।